सिंगापुर में डिपेंडेंट वीजा या डिपेंडेंट पास का क्या मतलब है? क्या हम अपनी फैमिली को डिपेंडेंट पास पर बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते? एक कमेंट्स आया था कि कुणाल करापे, जो मेरे यूट्यूब पर उनका कमेंट्स है, मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, उन्होंने कहा था क्या हम अपनी वाइफ को डिपेंडेंट वीजा पर बुला सकते हैं सिंगापुर में या नहीं? क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं सिंगापुर में? अगर आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को डिपेंडेंट पास पर ले आ सकते हो या आ सकते हैं आपके? तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। सिंगापुर के लॉ एंड टर्म्स क्या है डिपेंडेंट वीजा पे, तो आप कैसे, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फैमिली को सिंगापुर में आप ला सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको चाहिए। तो पूरा कंटिन्यू करना इस वीडियो को, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। मेरा नाम है रवि और आज जैसे कि आपने थंबनेल से देखा कि डिपेंडेंट वीजा बोलते हैं या डिपेंडेंट पास जिसे बोलते हैं, जैसे आप काम कर रहे हो इसको स्पाउस वीजा भी बोलते हैं, क्या हम अपनी वाइफ को, क्या हम अपने बच्चों को सिंगापुर में डिपेंडेंट वीजा पर ला सकते या नहीं ला सकते, ये चीजें आपको आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, गलती से मेरा चैनल आपकी यूट्यूब रिकमेंडेशन से आ गया है, तो भाई सिंगापुर से रिलेटेड अपडेट हमेशा मैं देता रहता हूँ। यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन ऑल का बटन दबा ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मेरे को मिलती रहे, ताकि आपको भी प्रोत्साहन, मेरे को प्रोत्साहन मिले आपको वीडियो देखने से। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, और हाँ, अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो यार डिसलाइक कर देना, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। जितना मेरे से नॉलेज होती है आई विल शेयर। तो मैं बताता हूँ डिपेंडेंट वीजा क्या होता है। तो सबसे पहले डिपेंडेंट वीजा, डिपेंडेंट पास, स्पाउस वीजा सेम होता है। कहने का मतलब क्या है, कोई आदमी अपने डिपेंडेंट को बुलाता है, मीन्स जो आपके ऊपर डिपेंड है। अब आप आदमी हो तो आपकी वाइफ डिपेंडेंट होगी, आपके बच्चे डिपेंड होंगे। क्या सिंगापुर अलाउ करता है डिपेंडेंट वीजा पर एज ए स्टूडेंट पर? तो मैं मना कर रहा हूँ, नहीं होता डिपेंडेंट वीजा। अगर आप स्टूडेंट वीजा पर हैं, आप अपनी वाइफ को नहीं बुला सकते। ये भी बताऊंगा कैसे बुला सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बुला नहीं सकते। तो अगर आप स्टूडेंट वीजा पर हैं, आप सिंगापुर में अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को डिपेंडेंट पास पर नहीं बुला सकते। कनाडा, यूके, यूरोप में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, स्पूस वीजा लगता है यूके में काफी सारे, तो सिंगापुर में नहीं है। डिसएडवांटेज मानो या कुछ मानो, यहां नहीं लग सकता। कुछ लोग अपने भाई जैसे यूके वगैरह में जा रहे हैं तो अपने वाइफ का लगा के खुद पर डिपेंडेंट लगा देते हैं। कनाडा में भी ऐसे है, लेकिन सिंगापुर का नहीं है भाई। अगर आप इस चीज में देखें तो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया आप चूज करो। तीसरा, अगर आप वर्क परमिट पर हो तो आप स्पाउस वीजा, डिपेंडेंट वीजा, देखो वर्क परमिट वाले अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। ये सैलरी क्राइटेरिया, सिंगापुर में एक वीजा होता है एम्प्लॉयमेंट पास। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर पास पर काम करो, अगर आपकी सैलरी मोर देन $6,000 है, 6,000 और मे बी 6,200 आप हो चुकी है, 6,000 से ऊपर आप डॉलर्स कमा रहे हो, यानी साल का जो आपका पैकेज सैलरी 72,000 या 75,000 एनुअल आपकी इनकम है, तब आप अपनी वाइफ को डिपेंडेंट पास पर बुला सकते हो। अगर आपका वैलिड वीजा यानी एम्प्लॉयमेंट पास, एस पास पर भी आप अपने डिपेंडेंट पास बुला सकते हैं, लेकिन सैलरी, मैं बता रहा हूँ सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एस पास पर काम करो, अगर आपकी सैलरी मोर देन 6,000 है, यू आर एलिजिबल टू गेटिंग डिपेंडेंट पास ऑन योर वाइफ, तो आप अपनी वाइफ का डिपेंडेंट पास लगा सकते हो। अब ये डिपेंडेंट पास कहाँ तक वैलिड होता है, तो देखो वैलिड जो होता है जितना आपका, अगर आपका 3 साल का एम्प्लॉयमेंट पास है या एस पास है, अगर आपकी सैलरी मोर देन 6,000 है, आप अपनी वाइफ का लगा के उतना ही लगेगा। अब बात करते हैं इसकी सैलरी 6,000 नहीं है, कैसे लाएंगे अपनी फैमिली को? तो पहला ऑप्शन हो सकता है, या तो अपनी वाइफ को स्टडी के बेसिस पे बुला सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर टूरिस्ट वीजा लगता है, तो टूरिस्ट वीजा जो होता है 1 महीने का प्लस 1 महीना एक्सटेंड, तो आप अपनी फैमिली को अगर हॉलीडेज में बुला सकते हैं। जैसे तो मैंने यहाँ तक अभी काफी लोगों को देखा है, फॉरिनर्स क्या करते हैं,
2 साल का उनका वीजा होता है या 3 साल का वीजा होता है, वो 1 साल में 1 महीने के लिए अपने होम कंट्री जाते हैं और अपने वाइफ को या बच्चों को 6 महीने के बाद बुला लेते हैं, 1 महीने और 2 महीने के, क्योंकि समर वैकेशन इंडिया में भी होते हैं। अगर किसी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मीन्स अप्रैल मई में होते हैं, तो अप्रैल मई में यहाँ पर सिंगापुर में 2 महीने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह से फॉरिनर्स की लाइफ चलती है। और देखो सिंगापुर महंगाई करने होने के साथ अगर आप $7,000 भी कमा रहे हो तो इतनी सेविंग्स नहीं होती है। तो जो सिंगापुर अलाउ करता है डिपेंडेंट पास को आपकी इनकम के हिसाब से, तो 6,000 से ऊपर आपकी इनकम होनी चाहिए, आप डिपेंडेंट पास आप बुला सकते हैं। अब बात करते हैं डिपेंडेंट पास वालों को फायदा यह है कि वो काम कर सकते हैं सिंगापुर में, उनका कोई लेवी वगैरह नहीं होता है, वो कहीं भी काम कर सकते हैं, मोस्टली मोर वैकेंसीज होती है। तो डिपेंडेंट पास वालों को थोड़ा ये फायदा, अगर आप अपनी वाइफ को डिपेंडेंट पास पर ला सकते हैं, वो NTUC सुपर मार्केट वहाँ कोटा वगैरह नहीं होता है, कहीं भी आप काम कर सकते हो। तो ये आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एक ये करा जिनका जो क्वेश्चन था उनका उत्तर मेरे को मैंने देने की कोशिश करी है। और अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो मुझे कमेंट्स करना। तो डिपेंडेंट पास का आपको बता दिया, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।